नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे टॉप 5 इंस्टीट्यूशन फॉर बीएससी एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड में पढ़ाई करना चाहते हो, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चाहते हो अपने लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। टॉप 5 इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चल जाएगा, आप इनमें पढ़ाई करके अपना करियर बेस्ट बना सकते हो। ठीक है, देखो बीएससी एग्रीकल्चर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही फेवरेट कोर्स है मेरा। ठीक है, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर बहुत पसंद है और स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आज के डेट में हो रहा है ना, तो बीएससी करने के बाद आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो अपने लिए भी, और साथ में चाहो तो यस ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, सिखा सकते हो लोगों को, है ना, और कई तरह के कुछ नए नए आइडियाज़ ला सकते हो जो रूरल एरियाज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है ना। तो आपको इस कोर्स को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि बहुत बेस्ट है ना। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक नोटिस, क्या आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो? यस, हम हर संडे लाइव सेशन कराते हैं, वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट भी आते हैं। तो अगर आपको लाइव सेशन अटेंड करना है हर संडे का, है ना, या फिर नेक्स्ट आने वाले संडे का, तो आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर्म का, वहाँ पे जाके आप क्लिक करो और फिल करो फॉर्म को, और आपको बता दिया जाएगा संडे में टाइमिंग के कितने बजे जो है ये लाइव सेशन होगा, और ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए अगर आप लाइव सेशन में अटेंड करके अपना क्वेरी सॉल्व करना चाहते हो। ओके, और नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप चाहते हो जो भी मैं कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा इनका फुल रिव्यूज़, तो आपको इनका जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, है ना, उन आई बटन के द्वारा आप हर एक वीडियो को देख सकते हो, फुल रिव्यू देख सकते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल में आपको मिलेगा क्रिएटिव सॉफ्टवेयर स्किल्स से रिलेटेड और कई सारे एजुकेशनल वीडियोस जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, वो है पहला यूपीईएस देहरादून। यस, पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इसे माना जाता है और उत्तराखंड में वन ऑफ द बेस्ट है ही, है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 में, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, UPES के नाम से जाना जाता है ये, बट इनका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। अप्रूवल इनको UGC से मिला हुआ है, NEC एक्रेडिशन भी मिला हुआ है इनको, और कुछ अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी एक्रेडिशन मिला हुआ है, जैसे EIU के द्वारा। इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन है ओरेकल, IBM, इन्फोसिस, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और कोर्स ऑफर करते हैं UG, PG, PhD, नंबर ऑफ कोर्सेज 20 है यहाँ पे, और एडमिशन क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड है, एंट्रेंस बेस्ड है। पॉपुलर कोर्सेज हैं यहाँ पे BTech, MBA, BBA, BCA, BSc, स्कॉलरशिप है यहाँ पे मेरिट बेस्ड, और यहाँ पे 10 तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। प्लेसमेंट परसेंटेज बताऊँ तो 94% है 2021 के अकॉर्डिंग, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो यहाँ पे लगा हुआ है वो है 45 LPA, और यहाँ पे फी अगर मैं बताऊँ तो टोटल फी आपको पड़ेगा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 6.73 लाख टोटल फी आपका ये पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा नंबर में आता है RIT रुड़की। यस, ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत बढ़िया कराई जाती है, है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल RIT के नाम से ये जाना जाता है, और टोटल कोर्सेज यहाँ पे 20 कराए जाते हैं 7 स्ट्रीम में, और इनको अप्रूवल मिला हुआ AICTE के द्वारा। कैंपस एरिया 30 एकड़ का है, यहाँ पे कोर्स ऑफर करते हैं UG PG डिप्लोमा, और एडमिशन क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड है और साथ में एंट्रेंस बेस्ड है। टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है जॉब देने के लिए TCS, माइक्रोसॉफ्ट, बायजूस, एप्पल, रिलायंस जियो, इंडिया बुल्स। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे लगा हुआ 56 LPA, यस 56 लाख, और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लगता है 6.5 LPA, और यहाँ पे फीस मैं बता देता हूँ, फीस बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, 65,000 आपका पड़ेगा पर ईयर का यहाँ पे, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रश्न, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो टाइकन प्रीमियम चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है और कैसे ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कराना है। तो अब मैं बात करता हूँ तीसरा इंस्टीट्यूट का, वो है क्वांटम यूनिवर्सिटी। यस, नाम से पता चल रहा है मॉडर्न है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसका एस्टेब्लिशमेंट का, बट हाँ ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छा देते हैं लोग, है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2017 में, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और रुड़की में है ये। इनको रिकग्निशन मिला हुआ AICTE के द्वारा, UGC के द्वारा। कैंपस एरिया 30 एकड़ का है, इनको रिकग्निशन मिला हुआ UGC के द्वारा। कॉलेज रैंकिंग यस 60 मिला हुआ इनको MBA के लिए, और मोस्ट ऑफ एजुकेशन बताओ तो ऑनलाइन कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग भी यहाँ पे अवेलेबल है।
नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कराए जाते हैं 113 14 स्ट्रीम में। और स्कॉलरशिप ये तीन तरह के स्कॉलरशिप देते हैं। हाईएस्ट सैलरी 2020 के अकॉर्डिंग इनको जो लगा हुआ है यहाँ पे बच्चे को 18 LPA मतलब 18 लाख जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट 2020 के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो ये था यहाँ का बेसिक चीज़ें। अब मैं फीस के बारे में बता देता हूँ। देखो फीस यहाँ पे भी नॉर्मल है, 69,000 लगभग आपको पड़ जाएगा पर ईयर का BSc एग्रीकल्चर के लिए। ओके तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर का इंस्टीट्यूट वो है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। यस यहाँ पे भी प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया कराया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इनको अप्रूवल मिला हुआ है AICTE के द्वारा और कई तरह के अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इनको मिला हुआ है। एफिलिएशन यस उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है बट साथ में अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है। एंट्रांस एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं CAT, MAT, NATA, GMAN और कोर्स ऑफर करते हैं UG, PG, डिप्लोमा। यहाँ पे टोटल सीट्स हैं 2160। टॉप कंपनीज जो यहाँ पे आ चुके हैं जॉब देने के लिए जैसे जेमिनाई सॉल्यूशंस आ चुके हैं, अपोलो फार्मेसी आ चुके हैं, जस्ट डायल, ओयो, SCL, पेटीएम, LNT, इन्फोटेक, ये सारे कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं। की पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो इनके पास 6 स्कूल्स हैं, मतलब जैसे टेक्निकल स्कूल हो गया, बिजनेस स्कूल हो गया, फार्मेसी का स्कूल हो गया, तो इस तरह के 6 स्कूल्स हैं और 15 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है ना फील्ड इस फील्ड में एजुकेशन के। और 10,000 से ज़्यादा एलुमनाई यहाँ से निकल चुके हैं और 150 से ज़्यादा कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं और 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर भी ये लोग पब्लिश कर चुके हैं। कैंपस एरिया बताऊँ तो 42 एकड़ का है। यहाँ पे टोटल कोर्स ये ऑफर करते हैं 68 कोर्सेस 14 स्ट्रीम में। और एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रांस बेस्ड और साथ में मेरिट बेस्ड। स्कॉलरशिप भी तीन तरह के देते हैं, है ना। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो 2020 के अकॉर्डिंग लगा हुआ है वो है 40 लाख पर एनम लगा हुआ है और एवरेज प्लेसमेंट जो है यहाँ पे बच्चों को लगा हुआ है 5.7 LPA। और मैं फ़ी के बारे में बता देता हूँ। देखो फ़ी यहाँ पे भी नॉर्मल है, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, आपको लगभग 72,000 पड़ेगा पर ईयर का। ओके अब हम बात करेंगे लास्ट पाँचवा नंबर इंस्टीट्यूट, सबसे लास्ट और बहुत फेमस है ये भी उत्तराखंड में और एडमिशन मिलना भी दिक्कत होता है कभी कभी यहाँ पे, वो है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। यस ठीक है तो चलिए बात करते हैं यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है ठीक है। और इनका गवर्निंग बॉडी है ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी। रिकग्निशन इनको मिला हुआ है UGC, AICTE के द्वारा और AIU के द्वारा। एक्रेडिटेशन मिला हुआ है NAC, ए ग्रेड मिला हुआ है। टोटल एलुमनाई यहाँ पे लगभग 18,000 से ज़्यादा निकल चुके हैं। कोर्स ऑफर ये करते हैं BBA, BSc, कई तरह के कोर्सेस हैं यहाँ पे ठीक है, UG, PG, डॉक्टरल, है ना। और सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊँ तो एंट्रांस बेस्ड है और एग्जाम ही एक्सेप्ट करते हैं GMAN, GATE, MAT, CAT, XAT, NET, SLET। टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है जॉब दिलाने के लिए, एक्सेंटर, विप्रो, इन्फोसिस, सैमसंग सॉफ्टवेयर लैब्स एट्सेट्रा। कैंपस एरिया 25 एकड़ का है और यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। हॉस्टल कैपेसिटी बताऊँ तो 2500 स्टूडेंट लगभग यहाँ पे रह सकते हैं। इनका इंटरनेशनल कोलाबोरेशन भी है UALR USA, टेलर्स यूनिवर्सिटी मलेशिया, चैथम यूनिवर्सिटी USA। और ये स्कॉलरशिप भी देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो हिमालयन रीजन से बिलोंग करते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे कि हो गया उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया और साथ में अरुणाचल प्रदेश साइड में हो गया। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको ये 25% का स्कॉलरशिप देते हैं। और लास्ट में मैं बता देता हूँ फीस। तो देखो फीस यहाँ पे आपको 1 लाख से ज़्यादा देना पड़ेगा, लगभग 1,25,000 आपका पड़ जाएगा टोटल फ़ी, है ना, पर ईयर का, पर एनम का मैं फी बता रहा हूँ। ओके तो ये है यहाँ का फ़ी। तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली, टॉप 5 कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूशन का, है ना। यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो BSc एग्रीकल्चर में और अपना करियर बना सकते हो ज़बरदस्त तरीके से, है ना। और लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है या भी कोई भी क्वेश्चन है अपने करियर को लेकर, है ना, कोई कोर्स को लेकर, कोई कॉलेज को लेकर, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, जाओ कॉन्टैक्ट करो फील फ्री होकर और हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। एंड इसी नोट के साथ इस वीडियो को अंत करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।